देखो हमारे घर में क्या हो गया, और चीकू ने पूरे मोहल्ले में, ये लो पूरा मोहल्ला ले लेके आ रहा है। ये कहाँ कहाँ तक आई है, वहां बैठा था मैं वहां तक आई। चीकू इज ऑल सेट और हमारा भी सामान हो गया सेट, और हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताते हैं थोड़ी देर में। ध्यान नहीं रहा यार, ये अटैची भी रहती है और इतनी स्पेस हमारे पास आई है, और चीकू पहले ही घुस चुका है। चीकी अभी दादू भी आएंगे, रुक जाओ अभी चलेंगे, बहुत एक्साइटेड। कहाँ जा रहे हो आप? कुछ नहीं पता इस लड़के। जा रहे हैं हमारे फार्म हाउस, फार्म हाउस क्या यार, काशीपुर जा रहे हैं क्योंकि भाई की शादी है और शादी के फंक्शन है, सगन। शादी दोबारा यहीं पे होगी दिल्ली में ही, तो चलते हैं यार, आज की ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है। ये आ गए हैं हमारे सूट, सबसे ज़्यादा दुविधा इन्हीं की है कि कहाँ रखा जाए। हाँ जी। शूज उठा के लाओ, आज तुम सुपर एक्साइटेड हो ना, चलो अपने शूज लेके आओ। शूज नहीं करी इसने ना, करा दी। को कह रहा है कार में पेटीएम लगा है आज इसको ना इतना। वी आर ऑल सेट और निकल चुके हैं, ये रहा हमारा पेटीएम, पेटीएम कह लो, आज इतना शैतान हो रखा है ना। चलें चलें, बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय हनुमान बोला था। निकले हैं, 1 किलोमीटर हुआ है और हमारे चीकू को भूख भी लग गई। घर में नहीं खाया जाता तुमसे, हैं? बहुत भूख लग रही है, जम जम हो रहा है। गाजियाबाद में मोदी जी आ रखे हैं, तो हर जगह रास्ते भी बंद हैं। बाकी इसलिए हम लोग गाजियाबाद से निकल गए भाई, मोदी जी आए थे तो रास्ते बंद करे, हमने खुले खुले रास्ते में चले गए। और आज गाड़ी का टेस्ट अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी मैंने थर्ड सर्विस करवाई थी, तो थर्ड सर्विस के बाद अब पहला लॉन्ग रूट है जिसमें एक्चुअल में पता चलेगा कि टाटा एल्ट्रोस का क्या एवरेज आता है। एंड में बताऊंगा कि क्या एवरेज आया। 192 किलोमीटर्स टू गो। देखो पूरे अंधेरे में जा रहे हैं, हमने ये लगा रखे हैं तो उसकी वजह से कितना अच्छा सा मौसम सा हो रहा है, और हमने वैसे ब्लैक पेन रखा है मैं, मैंने ट्विनिंग करके, और चीकू हमारा बिल्कुल अलग लग रहा है। पापा और चीकू ब्लू ब्लू हो रहे हैं, मम्मी का ब्राउन है बिल्कुल अलग चल रही है, और हमारा ब्लैक है। प्रोटीन बार खाओगे? खाओगे नहीं खाओगे? रहने दो ना, ऐसा नहीं है, प्रोटीन बार वही नॉर्मल मेरे सीड्स वाला प्रोटीन है, तो बच्चे को भी दे सकते हैं। तो आप लोग सोचो नहीं भाई, बच्चे को अभी से प्रोटीन बार खिला रहे हैं। नया फास्टैग लगवाया, कितनी जल्दी काम करता है। ओहो ये तो रोकने के लिए बोल रहा है, हो गया हो गया, जल्दी काम कर गया भाई। सही है, HDFC का सही है। वैसे इनके ना आपने देखा होगा बैरियर नहीं लगे हुए थे, तो लोग जो ज़्यादा स्पीड में हैं वो डायरेक्टली भी निकल सकते हैं। हम लोग वैसे फार्म से ही बिलोंग करते हैं, तो चीकू को भी उसी में वाइब आती है अच्छी सी, उसे मज़ा आता है। चीकू फार्म में कितना मज़ा आता है? बहुत सारा। क्या होता है वहाँ पे, क्या क्या होता है ये बता दो। चलो नहीं पता, गुड्डा सो गया हमारा, पर धीरज मैक्स ने इसका चश्मा उतारा है, नहीं तो चश्मा नहीं उतारने दे रहा। सोते नींद में भी गोगल मांग रहा है, कह रहा गोगल दे दो। वैसे काफ़ी चीज़ें नई नई खुल गई हैं यार यहाँ पे भी, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो मेरठ वाला हाईवे ना जो पहले कट जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे अभी फिर भी कम है, बट स्टिल अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूँ तब तो कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा वेराइटी हो गई। ये देखो हम ये स्पाइसी वाले 2M नागिन निकलेगी इसके अंदर से, मैक निकलेगी इसके अंदर से। तुम खा के नागिन तुम बनने वाले हो? नाग बनूंगा मैं, भूत बना है, भूत बना है। ओ भाई कतई स्पाइसी चिप्स हैं और मजेदार है, बिल्कुल मसाला आ गया अंदर एकदम मस्त। और पता नहीं सालों बाद चिप्स खाए, सालों। इसे देखो हाईवे पे बिल्कुल रोड पे चल रहा है, बीच रोड में इतनी मुश्किल से चल ही जा रहा है, और एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी। इतने बदतमीज लोग होते हैं ना, मतलब बाइक लेके चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बाइक लेके चलो यार, लेकिन बीच में। कैसा लगा पापा? डालो डालो जल्दी बताओ, रिव्यू दो रिव्यू, कितना स्पाइसी है। लो जी एक और टोल आ गया, देखो इसमें कैसे टॉम से बने हुए रीस्ट गढ़ गंगा। हाँ ये हटाना पड़ेगा यार कॉइन डालने के लिए। चलो जी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगे माता। चलो पहले हमने सोचा था हमारा ना गंगा जल खत्म हो रहा है, हमने सोचा था गढ़ गंगा आएंगे तो नीचे उतर के जल भी भर लेंगे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने उनके पास काफ़ी सारा था तो उन्होंने दे दिया, तो हम लोग
गए नहीं। वैसे इतनी गर्मी में जाते ना मुंडे हो जाते हैं। भी होती पेपर की। हाँ, इस पेपर स्पून भी होती है। और ये है देखो, दिखने में कितनी टेस्टी है और एक्चुअल में बहुत टेस्टी होती है। ये रहा इसका स्पून जो आता है हमारे, इसके साथ थोड़ा बहुत ना डाइट इधर उधर हो जाती है जब फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो डाइट। चलो जी, हम तो रुक गए हैं भाई गन्ने का जूस पीने, बस पापा और मैं ही पीने वाले हैं, बाकी तो सारे गाड़ी में बैठे हैं। तो बढ़िया था ना, वैसे इस गर्मियों का पहला है अभी तक का। इसके आप गजरोला से अगर फेमिलियर हो तो यहाँ पे दो ढाबा बहुत ज़्यादा चलते थे, भजन और ज्ञानी। भाई मतलब अंधी सेल थी, अंधे पराठे बिकते थे जैसे सुखदेव का ढाबा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये फ्लाईओवर भी है, फ्लाईओवर बन गया। रुको दिखा, देखो ये फ्लाईओवर बन गया और फ्लाईओवर के वजह से भजन वाला हो गया नीचे। ये देखो, ये भजन वाले का बोर्ड है, तो इस वजह से भाई उसकी सेल सारी ख़त्म हो गई। देखो यहाँ से शुरू हो जाते सारे, इधर भी आप देखोगे तो सारा बीकानेर, हल्दीराम, बर्गर किंग। यहाँ का सबसे सुंदर हवेली। एक और टोल आ गया और कसम से बता रहा हूँ भाई, यहाँ के टोल बहुत महंगे हैं। एक पहले टोल आया था 165 रुपये का था, ये 105 रुपये का है। आप पता चलेगा कि भैया ये वाला कितने का। एक हम ये भी लेके आए थे, हिंग जीरा ताली, कोई नई कंपनी आई थी, बट इसका हिंग जीरा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ना उसकी ज़्यादा आ रही है, क्या कहते हो, हल्दी कच्ची हल्दी टाइप। बाकी जो मेरे दारू पीने वाले भाई हैं उनके लिए वो जेप्सन्स वाला आता ना, वो सबसे बेस्ट होता है, इससे बेटर है। सबसे बढ़िया चीज बोलते जादू दिखाते, मैं लाहौरी जीरा नेल दिखा रही। मतलब वैसे एक बात बता दूं, लाहौरी जीरा हो या कोल्ड ड्रिंक हो, सब में उतनी ही कैलोरीज होती हैं। थोड़े ज्ञान की बातें मैं बता देता हूँ, कई लोगों को लगे कि भाई ये तो जीरा ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो शुगर इंटेक है ना वो बहुत ज़्यादा है। कौन उठ गया? ओ नींद में अभी भी छोटा सा ये उठ गया तो हमारी क्या कहते हैं गाड़ी में हलचल मच गई अभी से, नहीं तो सब गुमसुम पड़े थे। एक बच्चे से कितना फर्क पड़ता है, दादू को नहीं पता है ना ये कर रहा है। इधर तो देखो। अच्छा, दादू ने किसको कार बोल दिया? वो जा रही है सामने। क्या था वो? वो कार थी, वो वैन। वो देखो वो जा रही है ना, उसे क्या, देखो इन कंजरों को कोई हॉर्न दे जा रहे हैं, क्रेटा वाला भी हॉर्न दे रहा है, लेकिन एक भी वो जगह नहीं दे रहा है। क्या करता है, सारे बाल खराब कर दिए मेरे। ये देख, हमने ले लिया फर्स्ट ब्रेक अपना और हम रुके हैं नीलकंठ फैमिली ढाबा। ये देखो छोटा सा ढाबा क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं, तो हम लोग यहीं रुक रहे हैं। आओ यहाँ पे आ जाओ यार, नीचे कर्टेंस के में बैठेंगे, पापा गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि पापा को सिर्फ चाय पीनी है और हम लोग कुछ खाएंगे। यार भूख लग रही है बच्चों। अब क्या खाओगे मम्मी? कहाँ गई? ये रही मम्मी आज खूब सारी खांसी करी है मम्मी ने, वो चिप्स खा लिए जरा, सबसे डाउन हो गई मम्मी। देखो ये सबसे पहले अपनी चेयर लेके बैठ गए। मैं अपना पिंक ट्राउजर दिखाई, ये देखो लड़की कैसे, पिंक जूते, पिंक ट्राउजर, काले ये, ब्राउन बाल, हरा चश्मा, क्या चल रहा है, कौन सा रंग छोड़ा तुमने, दिखाना इधर दिखाओ। ये देखो हमने पो पेट्रोल वाला मंगाया था, ऑर्डर किए हैं 2 आलू प्याज के पराठे और 5 चाय। तो मैंने आज अपनी कैमोफ्लेक्स जैसे पैंट पहनी है, वाइट स्नीकर्स पहने हैं, तो ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है यार, हमेशा मुझे सबसे बेस्ट लगता है और ट्रैवलिंग के लिए तो सबसे अच्छा। तो हमारे लड़के से इंतज़ार नहीं होता, एक इसकी वजह से आज हम यहाँ पे रुके हैं और उसके बाद इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। चाय मंगाई है हमने इसके लिए। क्यों मंगाया? बताया नहीं, कैसा लग रहा है मम्मी देखो। ये हमारी चाय आ गई है भैया, एक चाय गाड़ी में पकड़ा था, ये सफेद वाली गाड़ी है ना सामने, पहली गाड़ी, पापा बैठे हैं उसमें, दे देना। इतने गरम गरम कुल्लड़ को हाथ लगा लिया और देखो अब गरम गरम चाय पे हाथ लगा रहा है। चाय बनाने के लिए बताया ना उसे, तो मैंने कहा कि अदरक भर भर के डालना, तो महक मुझसे बोलती कि यार अदरक मत डलवाओ ज़्यादा, अदरक मत डलवाओ ज़्यादा, चीकू नहीं पीनी है। मैंने कहा जितना मर्जी बोल लो, उसने अदरक उतनी डालनी है जितना उसका स्टैंडर्ड है, और सच में वो थोड़ी सी अदरक डाली है उसने, बस ये अच्छा है कि मीठा कम है। अचार है, मुझे पता है आप नहीं खाते। मैं पहले ऐसे खाएंगे कि तुम
ऐसा लग रहा है यहाँ पानी ही पानी बिकता है, देखो सब जगह पानी पानी है, कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं। यार पराठे तो अच्छे थे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैदा कम था, क्योंकि जब बाइट तोड़ रहे थे ना तो उसमें वो खिंचाव नहीं पड़ रहा था, तो अच्छी चीज़ है कि वो कम था। पर पापा की भी चाय हमारी हो गई, लाओ पापा कूलर फेंक देता हूँ, हमारे पापा ये बैठे अंदर, हम ऐसे अकेले छोड़ देते हैं, है ना, कितने बुरे लोग। अभी ये लोग पीछे अभी खा रहे हैं और देख रहे हो वो पीछे ग्रुप बैठा है, अब मुझे डाउट हो रहा है वो फ्रेंड्स हैं या कौन है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स होते तो थोड़ी मस्ती करते, बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहे, लग भी फ्रेंड्स वाला ग्रुप रहा है। यार फ्रेंड्स के साथ आओ, ऐसा हो नहीं सकता कि हड़कंप ना मचाओ, तो ये पॉसिबिलिटी कम है। मम्मी कह रही कुछ लोग होते हैं शांत होकर खाना खाते हैं, मैंने कहा नहीं मम्मी फ्रेंड्स में ऐसा नहीं होता, एग्री करते हो? बोले तो मैं कैसा लगा खाना चाय, अरे व्लॉगर की तरह पीछे पीछे, मैम 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 कैसा लगा मैम? टाइम पास था, टाइम पास था। है चाय कैसी लगी आपको? ए गंदा माउथ पे कौन लगाता है, कैसा लड़का है ये, अभी भी लगा पड़ा है ये, किसका बच्चा है ये, कैसा है ये? तो हटो चलो, पैर पहुंच नहीं रहे, गाड़ी चलाएंगे।